नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है गांधी के सभी आंदोलनों की ट्रिक से। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसे छोड़ाते हैं, तो हम आज जो ट्रिक बताएंगे उससे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर गांधी से रिलेटेड कोई भी आंदोलन अगर आता है तो आप उसे कराएंगे। ये बहुत ही जोरदार ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्लाइड आपके सामने है दोस्तों। गांधी जी अफ्रीका गए कब गए? 1893 में। तो कैसे आप इसे याद कर सकते हैं? गांधी जी अफ्रीका गए, तो आपको पता होगा कि भारत में गुजरात में गांधी जी जन्मे और यहाँ से अफ्रीका कुछ ऐसे पड़ता है, तो यानी कि समुद्र से गए। कैसे गए? तैर कर गए। तो आप अगर याद रखेंगे कि गांधी जी कैसे गए, तैर कर गए, यानी कि 93 को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? 93। तो ये तैर के, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि गांधी जी तैर के अफ्रीका गए, यानी कि 93 में गए। तो ये एक तरीके से जोरदार ट्रिक है और आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा देखते हैं हम गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो दोस्तों जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है वो 1906 में हुआ। 6 से आप क्या तैयार कर सकते हैं? अच्छा, 6 दोस्तों, 6 को गुजराती में भी 6-6 यानी कि अच्छा, तो इसे आप याद कर सकते हैं। पहला जो सत्याग्रह रहेगा गांधी जी का वो अच्छा ही रहेगा, तो इस तरीके से आप 6 याद रखें, अच्छा से 6 याद रखें 1906 में। चलिए तीसरा देखते हैं हम गांधी जी भारत लौटे। तो भारत लौटे कब? 1915 में। कब लौटे? 1915 में। तो दोस्तों गांधी जी गए कैसे थे? गए तो थे तैर के, यानी कि 93 में, और लौटे कैसे? पैदल। कैसे लौटे? पैदल, याद रखना ये, पैदल। तो गांधी जी लौटे कैसे? पैदल। पैदल यानी 15। पैदल और 15 काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों में, यहाँ पे 15 और पैदल बिल्कुल सिमिलरिटी है, दो शब्द पूरे मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिली? तो ये मिली 1915 में, यानी कि गांधी जी जैसे ही भारत आए उनको केसरे हिंद की उपाधि दे दी गई। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको समझना है दोस्तों। केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज देते थे, ये ब्रिटिश लोग देते थे, और इनका मुख्य मकसद ये होता था कि जो भी भारत में कोई भी उनका जो शत्रु लग रहा है उसको दे के अपीजमेंट किया जाए, ताकि वो अपने पाले में आ जाए, यानी कि ब्रिटिश लोगों के पाले में लाने, ब्रिटिश लोग गांधी जी को अपने पाले में लाने के लिए जैसे ही वो आए उनको उन्होंने 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दे दी। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना ये कब की हुई? ये सन 1916 में हुई। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, जैसे गांधी जी 1915 में आए उन्होंने नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया, क्योंकि वो आंदोलन करना चाहते थे, तो तुरंत एक साल बाद ही उन्होंने आश्रम बना लिया 1916 में। अगला देखते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, इसमें नाम आ रहा सत्याग्रह, तो यहाँ से सत्याग्रह कब? 1917 में। तो 17 और सत्या बिल्कुल मिलता जुलता है, ये गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। तो 17, अगर हम इसे 17 लिखें, और सत्या, तो ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी आपका तैयार हो जाएगा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? सन 1917 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये गांधी जी ने किया कब? 1918 में। ये आपको कैसे याद होगा? तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी कि मिल में जो मजदूर होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए आंदोलन किया, तो यानी कि 1918, ये भी तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब किया गांधी जी ने? तो ये किया 1919 में। आपको कैसे याद होगा? बहुत आसान है, 1919 दोनों दोस्तों, खिलाफत हमेशा बराबरी के लोगों के बीच में ही होगी, यानी कि आपस में जो लड़ाई होगी वो हमेशा बराबरी के लोगों के बीच में होगी, तो इसलिए 1919 दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। अब इसे कैसे आप याद करेंगे? असहयोग यानी कि विरोध करना, और यहाँ पे 20 है, तो 20 को आप विष समझ सकते हैं। तो जब आप किसी का विरोध करते हैं तो एक तरीके से उसे विष देने के बराबर है, किसी का विरोध करना यानी कि उसे विष देने के बराबर है। तो ये भी बहुत ही सॉलिड तरह से आपको याद हो गया, परीक्षा में जब आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की? 1924 में की। तो ये कैसे आपको याद होगा? दोस्तों गांधी जी ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता की
तो उन्हें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा, दो चार यानी कि 24। तो इस तरीके से ये ट्रिक भी आपकी जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, जब भी आएगा तो आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, दांडी मार्च। दोस्तों दांडी मार्च ये कब हुआ, 1930 में हुआ। दांडी मार्च किस लिए किया गया था गांधी जी द्वारा, ये किया गया था नमक के लिए। कब किया गया, किस चीज़ के लिए, नमक के लिए। तो इसको आपको याद करने के दो तरीके मैं आपको बता देना चाहूँगा। पहला तो आप ये याद कर सकते हैं कि नमक का जो 1 kg का पैकेट होता है वो 30 रुपये का मिलता है, और दांडी मार्च नमक से फेमस था। दूसरा तरीका ये है कि मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है, और अगर आप इसमें से एक हटा दें तो ये 30 हो जाता है। तो 1930 में दांडी मार्च किया था गांधी जी ने। इस तरह से आपको ये तैयार हो गया। इसकी दो ट्रिक हैं, आपको जो सुविधाजनक लगे आप वो देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन नेक्स्ट है, और ये हुआ था 1930 में, अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका बेहद आसान है, दांडी मार्च के साथ हम इसे जोड़ देंगे, क्योंकि जब महात्मा जी ने दांडी मार्च किया तो अंग्रेज उनसे विनय करने लगे, विनय करके उन्होंने रोका। तो ये कब रोकेंगे, 1930 में ही। इस तरीके से दोस्तों ये तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ, 1931 में। और इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, गांधी और इरविन यानी कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इनके बीच में समझौता क्यों होगा, ताकि एकता आ सके इनके बीच में एकता आ सके। एकता यानी 31, दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, 31। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ, 1931 में। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन, जाहिर सी बात है सम्मेलन जब होगा किसी गोलमेज पे, तो ये किस लिए होगा, इनके बीच में भी एकता लाने के लिए ही होगा। क्या होगा, एकता लाने के लिए। तो यहाँ पर भी ये 31 ही होगा, आप इस तरीके से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौता। ये कब हुआ, ये हुआ सन 1932 में। दोस्तों पूना समझौता को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ था, तो इस समझौते के कारण दोनों लोगों काफ़ी खुश हुए, और खुश होता है आदमी तो क्या होता है, उसके दांत दिखते हैं, यानी कि वो खुश हो जाता है तो वो हंसता है, उसके दांत दिखते हैं, कितने, 32 दांत। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि पूना समझौता में अंबेडकर और महात्मा गांधी हंसे तो उनके 32 दांत दिखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हरिजन संघ स्थापना। दोस्तों हरिजन संघ स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा 1932 में की गई थी, और हरिजन यानी कि कौन, यानी कि भगवान के जन, ईश्वर के जन। तो ये 1932, इसे हम कैसे जोड़ेंगे, दोस्तों जो हरि के जन होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जो प्रसन्न रहेगा उसका क्या होगा, उसके दांत दिखेंगे, 32 दांत। तो इस तरीके से ये भी आपका तैयार हो गया। चलिए ये लास्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ, सन 1942 में, और इसको कैसे हम याद करेंगे, दोस्तों 42 को आप याद कर सकते हैं बया से, बयां करना। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने बयां किया था कि जो हमारे देश में बाहरी लोग रह रहे हैं, अंग्रेज रह रहे हैं, ये हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। इस तरीके से उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, तो कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने ये बयां किया था। तो इस तरीके से 1942 होगा। तो आपको ये सभी ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको ऐसी और भी ट्रिक हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी ट्रिक को देखिए और इनसे परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर पाइए। साथ ही साथ आपको कोई विशेष ट्रिक चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।